सो ओके गाइज, आज के इस वाले वीडियो में हम सीखने वाले गाइज आप कैसे इस तरह की जो 3D शेडो है क्रिएट कर सकते हो अपने फोटोज़ के पीछे, जो कि गाइज काफ़ी अमेजिंग है। एंड गाइज, इस तरह एडिटिंग करने से आपके जो फोटोज़ है 3D टाइप के लग जाते हैं, जो कि गाइज आपके फोटो की रेंज बढ़ा देते। सो गाइज, अगर आप भी इस तरह की जो 3D शेडो है क्रिएट करना चाहते हो अपने फोटोज़ के पीछे, तो गाइज आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। बिल्कुल गाइज सिंपल वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो ओके गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ टू डिफरेंट वेज शेयर करने वाला हूँ, जिनके हेल्प से गाइज आप ये वाली जो 3D शेडो है क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले गाइज, हम यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हैं। एंड देन गाइज, मैं आपको एक एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जहाँ पे गाइज आप ऑटोमेटिक इस तरह की जो 3D शेडो है क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे गाइज, आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में क्या करना है, एडिट ऐप फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे बैकग्राउंड्स पे चले जाना है। एंड यहाँ से गाइज आपको एक वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद गाइज, आपको सीधा यहाँ पे ऐड फोटो पे चले जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइज, आपको यहाँ से अपनी जो फोटो है वो लेके आनी है। एंड यहाँ पे गाइज, आपको जस्ट यहाँ पे इस शेडो वाले आइकन पे जाना है। एंड यहाँ पे पोजीशन पे जाके गाइज, इसकी जो पोजीशन है चेंज करनी है। एंड आपकी जो इमेज है गाइज बिल्कुल रेडी है। एंड नाउ गाइज, अगर आप ये शेडो इस साइड में रखना चाहते हो, तो गाइज आपको फिर से यहाँ पे शेडो पे जाना है, पोजीशन पे क्लिक करके गाइज इसको इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे चेंज, जो कि गाइज काफ़ी अमेजिंग एंड सिंपल है। सो इस तरह से आप बिल्कुल गाइज ये कर सकते हो। सो ये करने के बाद गाइज, हम चले जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे गाइज ऑटोमेटिक इस तरह की जो शेडोज है क्रिएट कर सकते हो। सो उसके लिए गाइज, आपको ये वाली जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेनी है। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे चूज़ इमेज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से गाइज, आपको अपनी जो फोटो है वो लेके आनी है। इस इमेज को गाइज हम फिर से ले आते हैं। एंड यहाँ पे गाइज, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा सारे ऑप्शंस। सो ये करने के बाद गाइज, हम सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं, अगर आपको क्रॉप की नीड पड़ेगी इस पर। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल गाइज हम पे हमारी जो शेडो है क्रिएट हो चुकी है। एंड गाइज, अगर आप यहाँ पे भी चेंज करना चाहते हो, तो गाइज आपको जस्ट यहाँ पे शेडो पे जाना है। एंड बॉटम में प्लेस करना चाहते हो यहाँ गाइज राइट में, तो आप इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे गाइज, आपको एक 3D टाइप की शेडो देखने को मिल जाती है, जो कि गाइज काफ़ी अमेजिंग। सो ओके गाइज, इस तरह से आप ये वाली जो है 3D शेडो क्रिएट कर सकते हो अपनी फोटोज़ के बीच से, जो कि गाइज काफ़ी अमेजिंग एंड कूल है। सो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।